नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर बेहद तल्ख टिप्पणी की है और बेहद कड़ी टिप्पणी। उन्होंने भामाशाह जयंती के मौके पर जब कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो मंच से बीजेपी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया और कहा कि हमें इस तरह का कमिटमेंट करना है, संकल्प लेना होगा कि 2024-25 में नीतीश कुमार की सियासत को मिट्टी में मिला देना है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया और कहा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जो है वो गुंडों को, माफिया, अपराधी और उग्रवादियों को मिट्टी में मिला रही है, तो यहाँ बिहार में हमें 24 और 25 में नीतीश कुमार को सियासी तौर पर मिट्टी में मिला देना है। उनके इस बयान के बाद प्रतिक्रिया भी आई और तीखी प्रतिक्रिया आई। JDU ने कहा कि नीतीश कुमार एक सूरज हैं और उन्हें मोमबत्ती से कोई रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहा है। सम्राट चौधरी पहले अपना देखें कि वो किस मिट्टी के बने हुए हैं। RJD ने भी प्रतिक्रिया दी और RJD ने ये कहा कि हमने तो पिछले साल BJP को मिट्टी में मिला दिया है, तो वो दूसरे को क्या मिट्टी में मिलाएंगे। यानी आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, लेकिन बड़ी बात ये कि आखिर इतनी कड़ी बात या सख्त टिप्पणी क्यों करनी पड़ी। क्या बीजेपी वाकई इस हद तक नीतीश कुमार को लेकर आक्रामक हो गई है? बयान सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम कीजिए, यही मैं कहूंगा। 2024 और 25 में ये हम लोगों को पूरी तरह कमिटमेंट करना होगा साथियों। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधी, आतंकवादी और उग्रवादी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, यहाँ राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार जी को 2025 के चुनाव में और 24 के चुनाव में ये कमिटमेंट कीजिए। सम्राट चौधरी जी किस मिट्टी से निकले हैं और किस मिट्टी में जा मिले हैं, बिहार की जनता बेहतर जानती है। भाजपा के अंदर ही राजनीतिक रूप से उनको मिट्टी में मिलाने की साजिश शुरू हो चुकी है, जिससे वो अनभिज्ञ है, लेकिन हमें सब कुछ पता है। और नीतीश कुमार जी सूरज है, इन जैसे लोग नीतीश कुमार जी को मोमबत्ती के माध्यम से रोशनी दिखाने चले हैं। कितने आए और चले गए जिन्होंने ख्वाब देखा कि नीतीश कुमार जी को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला दे। भाजपा को तो एक वर्ष पूर्व ही बिहार में राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला दिया गया, अब ये क्या मिट्टी में मिलाएंगे। 2024 में देश की राजनीति से मिट्टी में मिला दिए जाएंगे और ये जो सपना देख रहे हैं दीवा स्वप्न रह जाएगा। सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले विपक्ष के लायक भी भाजपा रहेगी, बिहार में 24 में खाता भी इनका खुलेगा, इसकी चिंता करें। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सत्ता पक्ष से RJD की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ हैं और JDU की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हैं और विपक्ष से बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। विनोद शर्मा जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। ये इतना ज्यादा आक्रामक होकर इतनी कड़ी टिप्पणी कि सियासी तौर पर मिट्टी में मिला देना है नीतीश कुमार को, और आप तुलना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अपराधियों के साथ कि उन्हें भी हम मिट्टी में मिला रहे हैं, यहां इनकी सियासत को मिट्टी में मिला देंगे। कात्यायन जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कहा है कि राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देंगे। और मिट्टी में मिलाना क्या है, नीतीश कुमार जी तो खुद ही मिट्टी में मिल चुके हैं, क्योंकि जिस बिहार की जनता ने भाजपा के सहयोग से जंगल राज के खिलाफ उनको मुख्यमंत्री बनाया था और जो उनको मान सम्मान हमने दिया, जो बिहार में से बाहर उनकी जो छवि बनी थी एक सुशासन कुमार की, एक आदर्शवादी की, उसको उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। तो सही कहा है कि जो कमी बेसी है वो तो लीपने का काम करेंगे, अब तो मिट्टी में मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको लीप कर बराबर कर देगी कि इतिहास याद करेगा कि नीतीश कुमार जी जो एक सुशासन के नाम से जाना जाता था, उसने अपने खुद ही अपना कब्र खोदकर एक भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठकर एक माने लुटेरों के गिरोह में जाकर के। अच्छा, बार बार आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि सरकार से बाहर होने का जो दर्द है इस वजह से इतनी तलखी दिखाई जा रही है। ये आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि सरकार से बीजेपी को हमने हटा दिया तो बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई है। देखिए, बीजेपी कितनी उदार है आप समझ सकते हैं, कहीं इतिहास में नहीं सुना होगा कि लगातार 15-16 वर्षों तक हमने मुख्यमंत्री बनाए रखा छोटे दल को,
और उनको एक मौका दिया बिहार को संवारने का, सुधारने का, बिहार को एक ऊंचाई पर ले जाने का, उन्होंने किया भी मेरे साथ रह के। लेकिन छोटे से लोग में वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, उम्मीदवार भी नहीं बन सकते। उसके बाद भी जो लालू जी को जेल भेजवाए थे दोनों अध्यक्ष और इनके सारे नेता मिलके, उनकी गोद में जा बैठे। बिहार की जनता इतनी मूर्ख है क्या? अभिषेक झा, ठीक है अभिषेक झा, अभिषेक झा, आपने इस ऐलान को या संकल्प को सुना है? ये संकल्प किस तरह से कार्यकर्ताओं को बहुत कड़ा संकल्प दिलाया गया है कि आप प्रण ले लीजिए, कमिटमेंट करिए कि मिट्टी में मिला देना है नीतीश कुमार की सियासत को? एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य मैं आपके साथ और दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। हर पुत्र का, आदर्श पुत्र का यह काम होता है कि वो अपने पिता के सपनों को जरूर पूरा करे। आप सभी को मालूम है शकुनी चौधरी जी, श्रद्धेय शकुनी चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी के पिताजी, उन्होंने खुले मन से ऐसे ही भाषण दिया था कि नरेंद्र मोदी जी को भागलपुर में गाड़ देंगे। वीडियो सबके पास है, सम्राट चौधरी जी उसी काम में लगे हुए हैं। भाजपा से हटकर नहीं कर सकते थे तो अब सटकर कर रहे हैं। और वो क्या मिट्टी में किसी को मिला है? नीतीश कुमार जी के विषय में मैंने कहा ना कि ये लोग मोमबत्ती से सूरज को रोशनी दिखाने चले हैं। सम्राट चौधरी जी किस मिट्टी से निकले हैं हर कोई जानता है, किस मिट्टी में गए हैं ये भी हर कोई जानता है। और नहीं, लेकिन आपने इसे आपने इस दौरान एक और बयान दिया, आपने कहा कि बीजेपी खुद सम्राट चौधरी को मिट्टी में मिला रही है, इसलिए वो अपनी जगह तलाश रहे हैं। है ना, तस्वीर देखी है आप लोगों ने? सम्राट चौधरी जी घूम घूम कर कह रहे हैं कि अमुक समाज का बेटा इस बार मुख्यमंत्री बनेगा, और तस्वीर तो आप लोगों ने देखी ही है। बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। अमित शाह जी की तस्वीर देखी है आपने? समाज को क्यों जल्दी को दर्द हो रहा है? बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, उनका तो कद बड़ा ही किया है बीजेपी ने। भाई ऐसे ही किसी को ना चने के झाड़ पर चढ़ा करके पटका जाता है, यूं जमीन पे ही पटक दे तो दर्द उतना नहीं होगा, तो तैयारी उसी की है। लेकिन अभिषेक झा, एक बात और गौर कीजिएगा कि सम्राट चौधरी एनडीए सरकार में रहकर भी नीतीश कुमार पर हमलावर थे और बीजेपी ने उनको ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसका मतलब है कि बीजेपी जानती है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को जवाब देंगे। भस्मासुर की स्टोरी आपने सुनी है ना? भस्मासुर को जब ताकत मिली तो अन्य लोगों को उसने परेशान किया, मालूम चला अंत में जिनसे वरदान मिला उन्हीं के सर पर हाथ रखने चले। तो सम्राट चौधरी जी उसी मन में जा सकते, और उपेंद्र कुशवाहा जी को नीतीश कुमार जी का ऑपरेशन, ये बातें देख करके वो बेचैन उनका जो बेचैन हो रहे हैं तो फर्स्ट स्टेशन कुछ बोलेंगे ना? आप जरा बताइए कि किसी को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाता कौन है? जरदा मालिक। अरे जरदा वोट नहीं देगी राजनीतिक रूप से, आह्वान भी कार्यकर्ताओं से ही कर रहे हैं। आपको उनके कार्यकर्ता हरा देंगे? हमें उनके कार्यकर्ताओं में जोश कहां है, मनोबल कहां है? उनको हर्षित करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। हम जानते हैं कि नस्तनाबूत होने वाला है भाजपा का पूरा कुनबा, और ये जानते हैं कि महागठबंधन के कुनबे के सामने, नीतीश कुमार जी के चेहरे के सामने लोग दूर दूर तक कहीं नहीं। तो आखिर क्या ऐसा बोलेंगे? कोई सकारात्मक बातचीत कर सकते हैं? देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, इस तरह से उत्तर प्रदेश का जो कलराज का मॉडल है। हां देखिए, विनोद शर्मा जी कोई जवाब दे रहे हैं। विनोद शर्मा जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। हाँ विनोद जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो सम्मान मिला, जो एक चेहरा बनाने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने, इतना बड़ा त्याग करके। नहीं नहीं, मुझे ये बताइए ना कि ये बीजेपी की नीतीश कुमार को लेकर, ये बीजेपी की नीतीश कुमार को लेकर तलखी है, या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को हम खत्म कर सकते हैं बड़ी आसानी से? अरे भाई खत्म हो चुके हैं, करना कहाँ है? वो तो तेजस्वी यादव को गद्दी छोड़ दे चुके हैं, उनका सारा समीकरण टूट चुका है। एक बार अभिषेक झा एक बार सुनिए ना, एक बार जरा फिर हम बयान सुनाते हैं, क्योंकि आप जरा देखिए कि वो किस अंदाज में बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे नीतीश कुमार को हटा देना सियासत से, या उनको मिट्टी में मिला देना वाकई बहुत आसान है उनके लिए। आप जरा देखिए कि सपनों को पूरा कर रहे हैं, उनका अंदाज देखिए। एक बार सुनाते हैं बयान, एक बार बयान फिर सुनाते हैं, देखिए बयान उनका सुनिए। हम लोग मिट्टी में मिलाने का काम कीजिए, यही मैं कहूंगा। 2024 और 25 में ये हम लोगों को पूरी तरह कमिटमेंट करना होगा साथियों। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधी, आतंकवादी और उग्रवादी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, यहाँ राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार जी को 2025 के चुनाव में और 24 के चुनाव में ये कमिटमेंट कीजिए। सम्राट चौधरी जी किस मिट्टी से निकले और किस मिट्टी में, मतलब ये बयान
खासतौर पर जब वो उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, तो एजाज अहमद साहब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश का वो जिक्र कर रहे हैं, अपराधी उग्रवादी आतंकवादियों को जैसे हम मिट्टी में मिला रहे हैं, तब वो कहते हैं कि बिहार में उसी तरह से सियासी तौर पर राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देना है और इसका हमें प्रण करना है। देखिए कात्यायन जी, वो ज्यादा व्याकुल हैं, अब व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि उनकी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब पसंद नहीं की जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पुराने नेता हैं, जो पुराने लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बेचैन हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा, वो आगे बढ़ करके बयानवीर बने हुए हैं, तो जो दूसरे बयानवीर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, वो व्याकुल हैं, और उन लोगों की व्याकुलता स्पष्ट रूप से दिख रही है। इस बयान में ये एंगल कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें दूसरे नेता व्याकुल हैं, सम्राट चौधरी का बयान है, क्या इसका कनेक्शन है? सुन लिया ना, सुन लीजिएगा तब सब समझ में आ जाएगा। हाँ। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को रोकने के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी जी को अध्यक्ष बनाया, और जब सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के न केंद्रीय नेतृत्व के और ना बिहार के जो पुराने नेता हैं उनके नेतृत्व के मामले में उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तब इनको नाथने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को एकाएक बुला करके अमित शाह जी ने बात करने का काम किया, और अमित शाह जी के बात करते ही इनकी व्याकुलता स्पष्ट रूप से दिख रही है। और इन्होंने जिस तरह से अमर्यादित भाषा अमर्यादित टिप्पणी की है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खेमेबाजी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेतृत्व की लड़ाई है, वो स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। और नहीं, आप लेकिन मैं अभी भी आजाद साहब कह रहा हूं, आप इतना कुछ बोल गए, बट कहीं उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा क्या करने जा रहे हैं, अभी ऐलान भी उन्होंने नहीं किया है। आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के आ जाने से सम्राट चौधरी का कद छोटा हो जाएगा? जाहिर सी बात है। विनोद शर्मा जी, विनोद जी, ये एक अलग एंगल दे रहे हैं कि इसीलिए ज्यादा थोड़ा कुल बुला रहे हैं सम्राट चौधरी, ये इनका कहना है। देखिए, सम्राट चौधरी जी पर विश्वास करके केंद्रीय नेतृत्व में बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। हाँ। और निश्चित रूप से कील का पत्थर साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा कि नीतीश कुमार जी के लिए अंतिम कील साबित होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि वो तो खुद ही अपने आप को समाप्त कर चुके हैं, केवल उनको ऊपर से नहीं। लेकिन आरजेडी का एक बयान आया था ना उस पर, विनोद शर्मा जी, आरजेडी बयान दे रही है कि हमने पिछले साल बीजेपी को मिट्टी में मिला दिया है, अब बचा क्या है उनके पास, वो तो ये कह रहे हैं। अरे भाई, जीरो पर चला गया राजा, जीरो पर, दो पर अपने खुद अकेले लड़े थे नीतीश कुमार, दो सांसद जीते थे, भाजपा को कैसे कोई मिट्टी में मिला देगा? कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जन जन में व्याप्त है, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा हर भारतीय अपना चेहरा मानता है, तो ये संभव नहीं है। भारतीय जनता का पार्टी का कमल घर घर में जा चुका है और इसको मिटाना असंभव है। अच्छा, एक बहुत खास बात है, ऐसे बहुत खास बात है, भामाशाह जयंती का मौका था और इस वर्ग को साधने के लिए उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के साथ है, ये सिर्फ मैं इसे जातिगत तौर पर नहीं मान रहा, एजाज साहब एक मिनट, जातिगत तौर पर नहीं माना जाता है कि आर्थिक तौर पर भी दानवीर भामाशाह जो हैं उनकी जब जयंती मनाई जाती है, क्योंकि वो वर्ग ऐसा है कि माना जाता है कि वो बहुत मददगार होता है और बीजेपी के पास, सब लोग जानते हैं कि आर्थिक तौर पर भी बीजेपी सबसे संपन्न पार्टी है। डॉक्टर संजय के पास चलता हूं, डॉक्टर संजय, इस जयंती के मौके पर जिस तरह का बयान आया, और सियासत में होता है कि बयान के जरिए कई बार अपने विरोधियों को बड़ा कड़ा संदेश दिया जाता है, यह संदेश किस तरीके का था, आपको क्या उसमें समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ वो जिक्र कर रहे हैं अपराधियों के खात्मे का और कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को हम मिट्टी में मिला दें, इसका संकल्प ले लेंगे? ठीक है, राजनीति में हर पार्टी के नेताओं को अपने अंदाज में अपने लोगों को वार्म अप करने का, बूस्ट अप करने का अधिकार है, लेकिन इस सत्य को सबको स्वीकार करना होगा कि मिट्टी में मिलाना और नहीं मिलाना ये तो जनता तय करेगी ना। लोकतंत्र में कोई पार्टी तय करेगी कि कोई व्यक्ति को हम मिट्टी में मिला देंगे और कोई व्यक्ति को बिल्कुल मुख्यमंत्री बना देंगे, ये तो लोकतंत्र में जनता तय करती है। तो ठीक है, वो अपने अंदाज में और उसको यूपी से कोरिलेट कर करके अपने लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, या उनका कनेक्ट करने का वो अंदाज रहा होगा कि चलो इसी एग्रेसिव अंदाज में लोगों को कनेक्ट किया जाए, लेकिन कभी कभी चीजें बैकफायर भी हो जाती।
अगर आप किसी को इस तरह के शब्दों से नवाजेंगे तो उसका पोलराइजेशन का एक बड़ा फायदा मिल जाता है अपोजिशन को। अगर नीतीश कुमार जी सत्ता में हैं, आप जिस तरह से उनको अटैक कर रहे हैं तो अटैकिंग का अंदाज हो सकता है कि इसका लाभ भी मिले कि आप इसके वजह से इसी अंदाज में बोल करके और योगी मॉडल का हवाला दे करके बिहार में भी कोई दृश्य में परिवर्तन ला देंगे। हो सकता है पार्टी इसी अंदाज पर आपको चलने बढ़ने के लिए इशारा की होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस तरह की चीजें कभी कभी बैकफायर भी हो जाती है। और बैकफायर इसलिए कि आप जिनके लिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बतौर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, 24 में जनता क्या तय करेगी, 25 में जनता तय करेगी, ये तो आपको भी अधिकार है और उनको भी अधिकार है जी। लेकिन इससे ज्यादा इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग राजनीति में होता है शायद सभी राजनीतिज्ञों को सूट करता है। मुद्दों पर घेरते इनको कि क्या हुआ बिहार का इतने दिनों में, नीतीश कुमार जी को आपने लंबे दिनों तक सत्ता सौंपी, राजद सत्ता में रही, आपके भले के लिए क्या किया, आपके बच्चों के लिए क्या किया, आपके भविष्य के लिए क्या किया, तो शायद ये सधा हुआ आक्रमण होता है। इसका कई बार ये भी एक तो बैकफायर है, कई बार ये भी मैसेज चला जाता है जो विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी चूंकि सरकार से बाहर हो गई है इसलिए वो अपना गुस्सा ज्यादा ही कुछ जाहिर कर रही है, तो कई बार यह भी मैसेज चला जाता है कि ज्यादा तल्खी इसलिए है क्योंकि सरकार से बाहर है और बेचैन बहुत है। तो बेचैनी में आप किसी को एब्यूजिव लैंग्वेज में, गाली गलौज की भाषा में, धमकाने की भाषा में अगर बात करेंगे, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप बैकफायर भी कभी कभी हो जाता है। आप लोगों से क्या संकल्प ही तो करवा रहे थे कि मिट्टी में मिला देंगे, क्यों मिट्टी में मिला देंगे, इस पर भी तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपका होता कि आखिर कल तक कितना दिन पहले ये आरजेडी के साथ जेडी हो गई, उसके पहले तो आप ही थे साथ में, आखिर ये 4 महीना 6 महीना में इनको मिट्टी में मिलाने की नौबत क्यों आ गई, सम्राट चौधरी जरा इसको भी एक्सप्लेन करते तो मैं समझता हूं कि इनके इस एग्रेसिव अंदाज का सकारात्मक मैसेज आता। अब उस पर बात नहीं, चूंकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए इसलिए मिट्टी में मिला देंगे, और कल ये बीजेपी के साथ रहेंगे तब इनको मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, मैं इससे कहीं से भी सहमत नहीं हूं। मेरा कहना है कि मुद्दों पर आप घेरते, इनकी नीतियों पर। अच्छा, मैंने एक सवाल उसमें यह भी जोड़ा है डॉक्टर संजय कि चूंकि भामाशाह जयंती थी, दानवीर भामाशाह हम लोग कहते भी हैं, और ये यही नहीं दूसरे प्रदेशों में भी, राजस्थान में तो खासतौर पर बड़े धूमधाम से मनाई जाती है क्योंकि वो दानदाता भी बहुत होते हैं, और दूसरी बात है कि पार्टी को फंड भी काफी मिलता है, तो हो सकता है कि पार्टी ये भी सोच रही है कि भाई ये भामाशाह जयंती का मौका है और जितना उत्साहित कर सके हम। ठीक है, उत्साहित आप खूब कीजिए, और बिल्कुल दानवीर के तौर पर तो उस कम्युनिटी को ही जी। डॉक्टर संजय, जी डॉक्टर संजय की आवाज अच्छा लगता नहीं आ रही है। अभिषेक झा आप सुन पा रहे हो तो आप जवाब दीजिए। जी जी, जी, जी। मैंने दो छोटे छोटे सवाल मैंने पूछे थे, मैं दोहरा देता हूँ। सम्राट चौधरी जी के पिताजी का वीडियो भी प्लीज प्ले करवाइए अभिषेक, जिसमें साफ पर वो नरेंद्र मोदी जी को गाड़वे की बात कर रहे हैं भागलपुर की धरती के अंदर। सम्राट चौधरी जी प्रदेश के नहीं पता कि विनोद शर्मा जी ललन बाबू का वीडियो शर्मा जी विनोद शर्मा जी पार्टी के अधिकारी प्रवक्ता है, लेकिन अपने प्रदेश अध्यक्ष की बातों का खंडन कर रहे हैं विनोद शर्मा जी। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी तो ऑलरेडी मिट्टी में मिले हुए, नीपने पोतने का काम कर। एक तरफ सम्राट चौधरी जी चिल्ला रहे हैं कि राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देंगे, और दूसरे भी कह रहे हैं नीतीश कुमार जी तो मिट्टी में गए हैं। अरे भैया, रसातल में जाने वाले हैं आप लोग, जवाब दीजिए ना। नरेंद्र मोदी जी को कौन गाड़ने वाले थे? नरेंद्र मोदी जी को सम्राट चौधरी जी के पिताजी ही ना गाड़ने वाले थे? सम्राट चौधरी जी अपने पिताजी का सपना, अधूरा सपना पूरा करने आए हैं आप लोगों के साथ। नहीं, लेकिन अभिषेक झा, अभिषेक झा देखिए, ठीक, सियासी वार पलटवार अपनी जगह है और पार्टियां बदलती रहती हैं, बहुत सारे नेता पार्टी बदलते हैं, गठबंधन भी बदलते हैं ना भाई। सम्राट चौधरी अगर बाकी पार्टियों को छोड़कर आए हैं और उन्हीं पार्टियों के खात्मे की वकालत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उन पार्टियों को बहुत करीब से उन्होंने देखा है, तभी तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन पार्टियों को या इन नेताओं की सियासत को मिट्टी में मिला देना है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस शब्द में, अभिषेक झा, आप भी महसूस कर सकते हैं इस शब्द में किस तरह की तलखी है कि मिट्टी में मिला देना है। अभिषेक जी बताइए, नई पार्टी में जगह कैसे बने?
बिना पुरानी पार्टी को कोसे, बिना पुराने नेता को कोसे, जिनके यहाँ ट्रेनिंग ली, राजनीति सीखा, उन सबको कोसे बिना नई पार्टी में कोई वजूद बन सकता नहीं, है वजूद बना अभिषेक झा एक मिनट, आप अपनी पार्टी में प्रवक्ता बन चुके हैं, आप पार्टी में अपनी पोजीशन पा रहे हैं, या फिर और आने वाले समय में आपको और बड़ा पद मिलेगा, उसके बाद बयान देके क्या पकड़ बनानी है? पकड़ थी तभी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। मैं फिर कह रहा हूं कि पार्टी ने उनको ऐसी जिम्मेदारी दे दी है जो सम्राट चौधरी ने तो सोचा नहीं होगा कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा इतने कम के सफर में। सम्राट चौधरी जी अति महत्वाकांक्षी हैं, वो ऐसा मान के बैठे हैं भाजपा के लोग उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने वाले हैं, उसमें कहा कम। मैंने कहा कि सम्राट चौधरी जी लगातार कुमार जी को क्यों दर्द हो रहा है, अगर उम्मीदवार हो गए हो तो क्यों दर्द हो रहा है? स्वाभाविक सी बात है भाई, तो इसका नेतृत्व ने कुछ इशारा भी तो किया होगा ना अभिषेक झा, इसका मतलब है नेतृत्व ने इशारा किया होगा कि लवकुश को तोड़ना है, नीतीश कुमार को हराना है, आरजेडी को हराना है, तो मौका दे दो मुख्यमंत्री बनाने का। उन्हीं का नेतृत्व उनको लवकुश का सिंबल बनाता है। हाँ, उन्हीं का नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के आता है। क्यों तो लवकुश में एक नेता वो दूसरे नेता को पूरा वोट बैंक चाहेंगे ना कुशवाहा जी के आने से, मिलेगी भाजपा को क्या दिक्कत है आपको? क्यों चिंता करें उपेंद्र कुशवाहा जी और सम्राट चौधरी की चिंता करें, हम वोटरों की चिंता करें। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, अगर अगर आपको लग रहा है एक मिनट, अगर बिरादरी की आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक जाति या एक बिरादरी से दो लोग आ जाएंगे तो किसी का कद छोटा बड़ा थोड़ा ही ना हो जाता है। नीतीश कुमार थे तो क्या आरसीपी सिंह नहीं थे? उससे किसी का कद छोटा बड़ा थोड़ी ना हो जाता है। अरे आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार जी में कंपैरिजन है नहीं, मैं तुलना कर भी नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ तो इससे नीतीश कुमार का कद, नीतीश कुमार पहले से थे ना, आरसीपी सिंह के आ जाने से कद छोटा या बड़ा थोड़ी ना हो गया। प्रखंड के वर्कर को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी में अलग पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष। मैं अभिषेक झा कुछ और कह रहा हूं, आप समझ नहीं रहे, उनका बयान तीखा है ये सब लोग मान रहे हैं, लेकिन इसका कहीं तो पार्टी ने ही इशारा किया होगा ना कि अटैकिंग रहो। पार्टी के पास क्या काम है? अच्छा, उनकी पार्टी के पास क्या काम है कि बुनियादी मुद्दों की चर्चा करें, देश के हालात पर चर्चा करें, यूपी के जंगल राज पर चर्चा करें? विनोद जी अभिषेक झा जो कह रहे हैं उसको मैं उस पर भी आपसे सवाल लूंगा ना कि भाई मुद्दों पर, वो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं मुद्दों पर बात हो, उसको छोड़कर मैं फिर कह रहा हूं कि ये कार्यकर्ताओं में जोश भरना था या कुछ मैसेज देना था, इस तरह का बयान आम तौर पर नहीं दिया जाता। ये बयान तब दिया जाता है जब या तो तलखी वाकई बढ़ गई हो या आपको वाकई एक कंफ्यूजन हो कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कार्यकर्ताओं को लग रहा हो कि हम फिर नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे, तो बोलते रहो लगातार कि बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। क्या आप बता रहे, मैसेज क्या देना चाह रहे थे? देखिए कात्यायन जी, मैसेज स्पष्ट है। हाँ, कि आने वाला चुनाव में भ्रष्टाचार और अपराधियों के जलजल दलदल से फिर बिहार को बाहर लाना है। सम्राट चौधरी जी इसीलिए चिंतित है। तो आरजेडी के बारे में उन्होंने नहीं कहा, मैं फिर कह रहा हूं आरजेडी को नहीं कहा, नीतीश कुमार का नाम लेकर कहना, यानी इस वक्त आपको लगता है कि भाई बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दुश्मन जो पार्टी है वो जेडीयू और नीतीश कुमार हो गए हैं। देखिए चूंकि अभी नेतृत्व उन्हीं को दिया गया है, नेता वही है, तो अटैक तो उन्हीं पर होगा। तो भाई उन्हीं का नेतृत्व तो वही तो डॉक्टर संजय कह रहे थे, वही डॉक्टर संजय कह रहे थे कि 8 महीने पहले उन्हीं के नेतृत्व में आप काम कर रहे थे। ना काम कर रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन याद कीजिए ना, सम्राट चौधरी ने उनसे मैंने जबरन एक घोषणा करवाया था, जो पंचायत स्तर के जो अति होते हैं जिला परिषद, इनको अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, समाप्त हो गए थे, लेकिन ग्रामीण पंचायती राज मंत्री रहते हुए सम्राट चौधरी ने दबाव देके मुख्यमंत्री पर उनको अधिकार दिलवाया, मुख्यमंत्री अफसरों को देना चाहते थे अधिकार उसका, जब समय सीमा समाप्त हो गया था। तो सम्राट चौधरी की छवि अपनी है, अपनी बनाई है, उनको कोई नहीं है कि सामने कौन है। मुख्यमंत्री को ठीक है, जहां इज्जत देना है देंगे, लेकिन गलत जहां मुख्यमंत्री है उनको सामना करेंगे, उनकी रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी थके हुए हारे हुए लाचारों वो जानते हैं कि बहुत दिन चलने वाले नहीं है, तेजस्वी यादव कभी भी उनकी कुर्सी कब्जा कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। अभिषेक झा मैं देखिए एक एक करके सबसे सवाल ले रहा हूँ और मैं एक एक करके अब आपके पास आ रहा हूँ। अभिषेक झा सुन पा रहे हैं हमें? अभिषेक झा चलिए, एजाज अहमद साहब, अभिषेक झा सुन रहे हैं? हाँ, अब एक एक करके मैं आराम से चर्चा कर रहा हूँ, मैंने समय भी अतिरिक्त बढ़ाया है। आप मुझे ये बताइए कि सम्राट चौधरी ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं, आपको याद होगा, मैं फिर वो पुराने आपको समय में ले जाता हूँ। सम्राट चौधरी मंत्री थे,
वो हाजीपुर के आसपास कोई सभा, वैशाली में ही कोई सभा कर रहे थे, वैशाली में, और शायद हाजीपुर ही जहां तक मुझे याद आ रहा है, वैशाली में सभा के दौरान वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को तो हमने मजबूरी में मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया, वरना 2020 में हम मुख्यमंत्री अपना देते। वो मजबूरी ये थी कि गठबंधन में हमने पहले ही बोल दिया था कि करेंगे ये, यानी जो कुछ हुआ और वही बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने, यानी तब भी नेतृत्व का इशारा था और अब भी नेतृत्व का इशारा है। अरे अभिषेक जी, इस बात में कोई दो राय है कि भाजपा के लोगों का राजनीतिक चरित्र दोहरा है। पहली साजिश उन्होंने की किस फॉर्म में, चिराग पासवान मॉडल के फॉर्म में। दूसरी साजिश की हमारी ही पार्टी के व्यक्ति को अपने तीसरी बार जब मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर नीतीश कुमार जी ने कहा कि मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी वो जानते थे कि चूंकि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़े हैं तो नीतीश कुमार जी को सीएम बनाया, और चाहते थे कि कैसे नीतीश कुमार जी को बुली किया जाए, पार्टी को कमजोर किया जाए। तो आज क्या मिला भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता से बेदखल हुए हैं किनके चेहरे की वजह से, नीतीश कुमार जी की वजह से। कड़ा फैसला नीतीश कुमार जी ने लिया है, और सम्राट चौधरी जी हो या इनके पार्टी के नेता हो, उनका पॉलिटिकल ग्राफ कैसे बढ़ सकता है? कभी आपने सुना है कोई? अच्छा, तो नीतीश कुमार तो और आपकी पार्टी तो ये कहती है कि 2020 में मुख्यमंत्री बनने के लिए हम भी तैयार नहीं थे, नीतीश कुमार कहते हैं। एकदम नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक तौर पर इसको कहा है, लेकिन कहा है ना, लेकिन बंद कमरे में क्या कहा ये किसी को पता नहीं है ना। अच्छा सोच लीजिए, विरोधाभास कितना बड़ा है, इनके सबसे बड़े नेता कौन है? नहीं, विरोधाभास तो ये भी है ना कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कड़ा फैसला लिया, बीजेपी से अलग हो गए क्योंकि वो टारगेट किया जा रहा था। तो जब नीतीश कुमार को सीएम बनना ही नहीं था तो सीएम पद का मोह भी नहीं होना चाहिए था। आगरा ना, आगरा आपको याद होगा कि जब चुनाव के नतीजे आए, प्रधानमंत्री जी भाजपा के दिल्ली के कार्यालय से कहते हैं कि हम नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़े थे, आने वाले समय में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार जी पर आग्रह कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, पुराने गठबंधन का हवाला कह लीजिए, या हमारी मदद से ये लोग जो लोकसभा में इतने सदस्य जीत करके गए थे उसका ऑब्लिगेशन कह लीजिए, उस नाते इन लोगों ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री दोबारा बनने का आग्रह किया, और उसके बाद चीजें कैसे हो रही थी, सम्राट चौधरी जी अलग बातें कर रहे थे। नहीं, तो मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं ना, अगर सम्राट चौधरी गलत बातें कर रहे थे और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो बनना भी नहीं चाहते थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार उस वक्त उन बयानों को सुनकर कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी कि हाँ ठीक है मैं पद छोड़ रहा हूं अपना, बीजेपी के साथ अलग हो गए, आरजेडी के साथ चले गए और वहां मुख्यमंत्री हैं वो। नहीं ठीक है ना, इसमें समस्या क्या है? भाजपा के लोग लगातार हमारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। हाँ। जो सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में कोई हमारी पार्टी को कमजोर करने की साजिश रचेगा और हम हाथ पर हाथ धरे उनके साथ बैठे रहेंगे। नीतीश कुमार को लेकर बेहद तल्ख थे, आज वो बीजेपी का चेहरा है, प्रदेश अध्यक्ष है, तो क्या ये माना जाए कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को पहले से समझ रहे थे? बीजेपी ने इशारा कर दिया था कि बोलते रहिए, नीतीश कुमार वाकई 2020 में सीएम पद नहीं चाहते थे, क्या सच्चाई थी? देखिए, सम्राट चौधरी जी अपनी पहचान खुद बनाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी काम किया है, लेकिन मैंने याद दिलाया कि पंचायती राज का जो समय सीमा समाप्त हुआ था तो मुख्यमंत्री केवल अफसरों का अधिकार दे रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी के दबाव में पुनः उनको फिर पावर दिया गया जो पंचायती राज के हमारे जीते हुए प्रतिनिधि थे। तो सम्राट चौधरी पहली बार नहीं, पहले भी एमएलसी का पद त्याग कर दिया। अभिषेक जी, आपकी आवाज आ रही है। ने कहा कि अपने पिता का अपना ही कर सकते हैं, बोले कि देखिए मेरे पिता पिता हैं, पिता को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। प्रचार में गए, कहा कि एमएलसी में लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी की सारी कमियों को जानते हैं और जानते हैं कि लाचार और बेबस है, एक के बाद पलटी मारी करेंगे, क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे? ये जो आपका शब्द है ना, यही मेरा सवाल अभी मेरा काम किया हो विनोद जी, आपने जो ये बात कही है ना, आपने जो बात कही है यही मैं अब पूछना चाह रहा था, अगला सवाल कि बेबस और लाचार बार बार इतनी देर में विनोद शर्मा जी के जुबान से यही निकल रहा है, बेबस और लाचार। मैं एक बार डॉक्टर संजय और एजाज साहब के पास भी चलता हूं, समय काफी है। डॉक्टर संजय, आपकी बात रह गई थी अधूरी, अभी देखिए ये शब्द आ रहा था और मैं सवाल ये जेडीयू से भी पूछना चाहूंगा इसके बाद, बेबस लाचार, क्या नीतीश कुमार वाकई बीजेपी को लगने लगा है कि अब आज के दौर में, आज के वक्त में, आज के हालात में सॉफ्ट टारगेट है, बहुत आसानी से उन पर निशाना साधा जा सकता है? देखिए, क्या ये बहुमत के करीब है, इस सच्चाई को तो मानना होगा। अगर 45 विधायक इनके हैं तो किसी न किसी के तो सहयोग से ही ये बतौर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है,
भारतीय जनता पार्टी की भाषा जो हो जाए, मैं उस भाषा में नहीं जाना चाहता हूं कि वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हाँ ये बात तो सही है कि नीतीश कुमार जी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें या आरजेडी के साथ रहें, बिना किसी के सहयोग के बतौर वो मुख्यमंत्री तो नहीं रह सकते हैं। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात भाई, अगर नीतीश कुमार जी का कालखंड को देखा जाए तो कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो ये लगातार एनडीए के साथ ही रहे हैं। इधर विगत दिनों में जब ये आरजेडी के साथ गठबंधन में गए, फिर आरजेडी के गठबंधन से निकले, फिर उस गठबंधन में गए, तो विपक्षी तो इनको आरोपित करेगा, कहेगा कि नहीं इनकी अपना क्या है, कल आरजेडी समर्थन वापस ले लेगी फिर ये कहां रह जाएंगे। या जब बीजेपी के साथ थे तो एक दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी भी करती थी। तो जिस पार्टी को भी बहुमत नहीं मिलता है, चाहे वो जिनकी वजह से नीतीश कुमार जी मजबूरी हो या विपक्ष की मजबूरी हो या उन पार्टियों की मजबूरी हो कि बिना नीतीश कुमार की मदद से वो सरकार बना ही नहीं सकते हैं, तो ये जो बिहार का संजय है उसमें डॉक्टर संजय एक बार अभिषेक झा के पास मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं क्योंकि उनको अभिषेक झा को जाना है, निकलना है। अभिषेक झा आप अपना रिएक्शन, चूंकि आप कह रहे थे कि आपको निकलना है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, नीतीश कुमार सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं, बीजेपी को एहसास हो गया है कि आरजेडी पहले भी विरोध में रहकर भी समर्थन में रहकर भी अपर हैंड है उसका, ये तो सब लोग जानते हैं, तो शायद उसका फायदा उठा रही है बीजेपी की, इतना अटैकिंग हो जाओ कि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी को डिमोरलाइज खुद ही कर दो। उनके डिमोरलाइज करने से तो हम लोग डिमोरलाइज होंगे नहीं, हम लोगों ने तो उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया, उनके पिताजी के वीडियो के बारे में जिक्र कर दिया। नीतीश कुमार जी बिहार में सत्ता की राजनीति की धुरी है, इस बात को कोई नकार नहीं, नहीं बिल्कुल ये तो ये सच है, पिछले दो दशकों से तो यही है। अब दो दशकों से जब ये स्थिति बनी हुई है तो आखिर नीतीश कुमार जी को टारगेट करेंगे? विनोद जी धैर्य एक बार। हाँ अभिषेक झा शांत करेंगे, समझना यह है कि जब नीतीश कुमार जी सत्ता की धुरी में है तो हर कोई, या राजनीति की धुरी में है तो हर कोई नीतीश कुमार जी को ही टारगेट करके लाइमलाइट में आ सकता है ना। और आप लंबी फहरिस्त देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक प्रतिस्पर्धा रहती है सभी नेताओं के अंदर, कौन नीतीश कुमार जी के खिलाफ कितना खराब बोलेगा और उसको उतना बड़ा अचीवमेंट मिल जाएगा। सम्राट चौधरी जी को अचीवमेंट भी इसी बाबत मिलता है, और सम्राट चौधरी जी सचमुच अगर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में होते तो सिर्फ वो सकारात्मक बातें भी करते, बुनियादी मुद्दों की चर्चा भी करते, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? कंपेयर करना। कंपेयर कैसे कर दिया? इसका मतलब आप मानते हैं कि माफियाओं को जिस तरीके से मिट्टी में मिलाया जा रहा है उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार की संलिप्तता है? आप कानून को तोड़ते हैं, वॉक्सफॉल उड़ाते हैं, जंगल राज के आप परिचायक हो चुके हैं, आप गाड़ी फ्रंटे जैसे मॉडल को जस्टिफाई करते हैं, उसको बिहार से कंपेयर करते हैं। आप लाख कोशिश कर लीजिए, सम्राट चौधरी जी हो या बीजेपी के कोई भी नेता, नीतीश कुमार जी के खिलाफ आप जितना बोलेंगे जनता का सेंटिमेंट अभिषेक की उतना ही जागेगा। जनता उनके साथ उनके विरोध में ये बोलते हैं कि हम उनको राजनीतिक रूप से मिट्टी मिला देंगे। अरे आपने जनता की मजबूत बनाया। अभिषेक झा आप सुन पा रहे हैं विनोद जी क्या बोल रहे हैं? अगर आपके पास वक्त हो तो जवाब दे सकते हैं। वो बार बार वो पुरानी बातें याद दिला रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ये कहा, तेजस्वी यादव ने ये कहा, वो फहरिस्त गिना रहे हैं कि हम तो बोल रहे हैं इसलिए है क्योंकि आप पहले से ही सुनने के आदी रहे हैं। अरे हमने क्या कहा कि सत्ता या राजनीति के केंद्र में व्यक्ति के खिलाफ हर कोई बोलकर टीआरपी लेना चाहता है? सम्राट चौधरी जी के पिताजी चाहते और भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो रोड प्लेयर से मैच जीत लेगी। आप दिवस देखते रहिए, आपने नीतीश कुमार जी पर इस तरह की टिप्पणी करके जनता के सेंटीमेंट को हर्ट किया है और जनता के सेंटीमेंट को हर्ट करने का नतीजा जनता आपको आने वाले समय में चुनाव में सबक सिखाएगी। आप लाल चिल्लाने के विनोद शर्मा जी वकालत कितनी भी कर लीजिए, चलिए यानी आपको लग रहा है कि सम्राट चौधरी का ये दांव या बीजेपी का दांव काम नहीं करेगा, कुछ नहीं उल्टा पड़ेगा काम नहीं करेगा, छोटी बात होती है अभिषेक जी, उल्टा पड़ेगा। एक होता है ना बैकफायर, एक होता है मिसफायर, इस बार बैकफायर होने वाला है। चलिए अभिषेक जी आप हमें और वक्त देना चाहेंगे? असल में मेरी व्यस्तता एक जगह थी पहले से, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन हमारी चर्चा जारी रहेगी। एजाज अहमद साहब आपके पास आते हैं और उससे पहले सम्राट चौधरी का एक और बयान हम सुनाते हैं जरा।
जाहिर तौर पर सियासी तलखी तो है ही और प्रतिक्रिया भी आ रही है। एक बार फिर से हम बयान सुनाते हैं सम्राट चौधरी का। भारतीय जनता पार्टी जो एक बार कह देती है उससे पीछे नहीं हटना। हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री जी के तरफ पलटी नहीं मारते हैं, पलटासन तो सिर्फ उन्हीं के पास है। देखिए, अब जो भारतीय जनता पार्टी, अब सोचिए सींच कर किसी व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचाया। लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति किसने किया? भाजपा के 34 विधायकों ने किया। साथियों, यदि 34 विधायक का समर्थन नहीं होता तो गरीबों के जो मसीहा बनते हैं लालू प्रसाद जी, उनकी तो राजनीतिक उत्पत्ति ही नहीं होती। और नीतीश कुमार जी को 5 बार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 5 बार कंधे पर उठाकर राजभवन पहुंचाया कि आप मुख्यमंत्री बनो। 2020 का चुनाव था, नीतीश कुमार जी की पूरी लोकप्रियता खत्म हो चुकी थी और प्रधानमंत्री जी कई बार, पूछिए संजय जी यहां बैठे हैं, कई बार उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि नीतीश जी बहुत मेहनत करना पड़ेगा बिहार के चुनाव। नीतीश कुमार जी कहते थे नहीं हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा, जनता तैयार नहीं है आपको देखने के लिए। और अब तो इतना पलटी मार चुके हैं, अब तो भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं को बदला लेना है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के। तो एजाज अहमद साहब, आपने सुना बयान, वो पलटी मार और वगैरह वगैरह सारे शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं, बहुत सारी। ये साफ तौर पर बता रहा है कि नीतीश कुमार का बार बार गठबंधन बदलना, वो एक तलखी थी, और इस बार फिर से बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ जाना, वो पलटी। 2020 के चुनाव का कि लोकप्रियता उनकी गिर चुकी थी, वो सारी चीज़ों को एक एक करके पॉइंट आउट करना और बताना। एजाज साहब, देखिए कात्यान जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष ये बात बोलना भूल गए कि पत्थर छीन करके किस तरह से इनके भोज को कैंसिल किया गया और इनको अपमानित किया गया। और अपमान सहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसी नीतीश जी के साथ बने रहे जिस नीतीश जी के खिलाफ आज अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी स्वयं कितनी बार पलटी मारी है सत्ता के लिए, ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। 2013 में इनके 11 मंत्रियों को नीतीश जी ने कान पकड़ के बाहर निकालने का काम किया। 2015 में समाजवादियों का गठबंधन ने इनको सत्ता से बेदखल करके पूरे देश में एक संदेश दिया कि समाजवादी जब इकट्ठे होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकती नहीं है। और 2017 में फिर वही भारतीय जनता पार्टी, जिससे पत्तल छीन लिया गया, जिसके भोजन को कैंसिल किया गया, जिसके मंत्रियों को कान पकड़ के बाहर निकाल दिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के साथ आकर के नीतीश जी के लिए कसीदे पढ़ने का। अहमद साहब, ये मुझे लग रहा है जैसे सम्राट चौधरी को अभी डॉक्टर संजय बोल रहे थे कि कई बार वो बयान ऐसा कुछ ना दे दें जो बैकफायर करे, आप भी तो उल्टा ही बोल रहे हैं ना। पलटी बीजेपी ने यहाँ कहाँ मारी थी भाई, वो तो नीतीश कुमार कर रहे थे ना भाई। 13 में नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा, 15 में फिर नीतीश कुमार महागठबंधन में गए, 17 में फिर वो एनडीए में वापस आए, इसमें बीजेपी कहाँ इधर उधर कर रही थी। उन्होंने प्रश्न किया था मुख्यमंत्री जी ने कि तेजस्वी यादव इतनी परिसंपत्तियों के मालिक कैसे हो गए, पब्लिक डोमेन में जवाब दो नहीं तो बाहर जाओ। मोदी सहित सभी मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। अरे भाई, तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ ना कि उसमें बीजेपी ने कहाँ पलटी मारी थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ा और फिर बीजेपी के साथ गए, इसमें बीजेपी कहाँ है। कि हमको सत्ता और स्वार्थ से कोई मतलब नहीं है, चलिए चुनाव में। बीजेपी चुनाव में जाने से डरती है, बीजेपी को पता है। और 2022 में और जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बौखलाहट है नीतीश जी के अलग होने का। नीतीश जी ने अलग होकर के पूरे देश को जो संदेश दिया और समाजवादियों की एकता ने जो देश में एक रास्ता दिखाया है कि अगर सभी विपक्षी दल एक हो जाए
तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। और उस संदेश को जो बिहार ने दिया है देश ने भी सुना है, और देश स्तर पर जो कहीं ऐसा तो नहीं ना एजाज साहब बीजेपी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आरजेडी का भी दबाव है नीतीश कुमार पर और हम भी करेंगे तो नीतीश कुमार की राजनीति को वाकई खत्म करें और जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो सिर्फ दो तरफा लड़ाई बन जाए। भाषा और मर्यादित टिप्पणी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। विनोद शर्मा जी ये बहुत समय से ऐसा माना जा रहा है कि और ये कहा जाता है राजनीतिक जो एक्सपर्ट हैं जो राजनीतिक पंडित हैं वो सब कहते हैं कि आरजेडी और बीजेपी दोनों चाहती है कि मुकाबला त्रिकोणीय ना होकर अब सीधी सीधी लड़ाई बन जाए बीजेपी वर्सेस आरजेडी। क्या वाकई इसी मकसद से नीतीश कुमार निशाने पर हैं? देखिए निश्चित रूप से, देखिए अब चल चलती का बेरा है नीतीश जी का, वो लड़ाई से बाहर जा चुके हैं, अब सीधी लड़ाई राजद से है क्योंकि इनके समर्थक अब या राजद में या भाजपा में शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी अकेले रह जाएंगे आने वाले दिनों में क्योंकि तेजस्वी यादव को जितना बेइज्जत किया था नीतीश कुमार जी ने उनके वर्कर नहीं भूले हैं, लालू जी को जेल भेजवाया था ललन सिंह जी उनके लोगों ने, वो भी उनके कार्यकर्ता नहीं भूले हैं। तो दोनों तरफ से तैयारी है, राजद भी चाहती है कि इनका बदला ले ले, इनको समाप्त कर दे, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब सामने आवे जो नीतीश कुमार ने किए थे कि कहां से इतना भ्रष्टाचार का संपत्ति लाया। तो निश्चित रूप से ये आरोप तो आप पर भी लग रहा है ना, ये आरोप आप पर भी लग रहा है कि नीतीश कुमार इतने ही बुरे थे कि जिनको आप सियासी तौर पर मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार के साथ जाना ही नहीं था भाई। आपको जब झटका वो दे चुके थे तो आपको समझ लेना था कि हमको नहीं रहना उनके साथ। देखिए बिहार के विकास के लिए कभी कभी जहर भी पिया है भाजपा ने, इसमें दो राय नहीं है। बिहार के विकास के लिए चूंकि जानते थे कि फिर जंगल राज आ जाएगा, अगर नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे तो जंगल राज की स्थिति फिर बन जाएगी, फिर से बिहार वासियों का रहना दुर्लभ हो जाएगा बिहार में, फिर बिहार वासी बिहार छोड़ के भागने लगेंगे, उद्योग धंधे भागने लगेंगे। इसीलिए भाजपा ने जहर का घूंट पीकर नीतीश कुमार को स्वीकार किया था, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने उस चीज को नहीं समझा, वो पलटी मारी में रिकॉर्ड बनाने में विश्वास करते रहे और पलटी ये बयान तो वही मैं कह रहा हूं ना कि ऐसा लग रहा है कि आरजेडी जो पहले कर रही थी वो अब बीजेपी कर रही है, और ये वजह यही है कि सबको लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला से नीतीश कुमार को अब किनारे कर देना ही बेहतर होगा। क्योंकि आप लोग जैसे जुड़े हैं ना टेक्निकली तो थोड़ा मुश्किल आती है। एजाज साहब ये जो बोल रहे हैं कि कभी कभी कड़वा घूंट या जहर भी पीना पड़ता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आरजेडी जो कर रही थी वो अब बीजेपी कर रही है, क्या वाकई ये वाकई मंशा बन गई है कि हाँ भाई त्रिकोणीय मुकाबले को बिहार से खत्म कर देना है, नीतीश कुमार की सियासत बंद और आरजेडी वर्सेस बीजेपी? ये तो मानकर चलते हैं कि आरजेडी भी यही चाहती है। देखिए कात्यायन जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना प्रलाप कर ले, इस बार इनको सही निशाने पर हम लोगों ने लिया है और इनकी बेचैनी स्पष्ट रूप से दिख रही है। और जो 7 दलों का महागठबंधन बिहार से संदेश दिया है और राष्ट्र ने भी सुना है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापक गठबंधन बन रहा है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं और जो रिस्पांस मिल रहा है उसके बाद से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के खेमे में बेचैनी है। अमित शाह जी इतने बेचैन है कि पूंछ में जो आतंकवादियों के द्वारा हमारे जवानों की हत्या की गई, शहादत हुई उनकी, उस पर इन्होंने कोई बैठक नहीं बुलाई। इन्होंने अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए बिहार से उपेंद्र कुशवाहा को बुला करके राजनीतिक परिचर्चा की, इससे ही समझा जा सकता है। वो अलग मामला है, वो अलग मामला है, वो राजनीति का मामला है। अगर कोई दूसरा दल मिलना चाहता है तो वो अलग, खैर वो ठीक है, वो सियासी बयानबाजी हो सकती है। विनोद शर्मा जी मैं डॉक्टर संजय के पास एक बार चलता हूँ, फिर उसके बाद विनोद जी मैं आपके पास आता हूँ। डॉक्टर संजय ये बहुत समय से चर्चा हो रही है और इस चर्चा को मैं इसीलिए थोड़ा विस्तार दे रहा हूं कि सिर्फ एक बयान पर नहीं, ये बयान के पीछे का पूरा जो रिकॉर्ड देखते हैं, ये काफी समय से आपसे भी चर्चा हुई है कई बार डिबेट में कि आरजेडी और बीजेपी दोनों को अब ये सूट करता है कि जो एक ट्रायंगल बना हुआ है वो खत्म हो जाए, अब सीधा सीधी लड़ाई हो जाए आरजेडी वर्सेस बीजेपी। नहीं बिल्कुल चाहेगी ही, बीजेपी भी चाहेगी और आरजेडी भी चाहेंगे, लेकिन आरजेडी के चाहने और बीजेपी के चाहने के बाद एक चाहना जनता को भी तो है। अगर नीतीश कुमार जी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखेंगे,
जनता का भरोसा नीतीश कुमार जी पर होगा। तो ये दो पार्टियों के चाहने से जनता नहीं चाहेगी, ऐसा कहां लोकतंत्र में है। और लंबे दिनों से अगर आप देखे होंगे तो आरजेडी और बीजेपी अपने अपने तरीके से चाहने के बाद भी सत्ता के केंद्र में तो नीतीश कुमार जी बने रहे, चाहे वो बीजेपी को नीतीश कुमार जी के नजदीक आना पड़ा, चाहे आरजेडी को नीतीश कुमार जी के करीब जाना पड़ा या इनको जाना पड़ा, लेकिन केंद्र में तो वो रहे। लेकिन हाँ, ये एक बात जरूर आप सही बोल रहे हैं, ये बात से हम भी सहमत हैं कि जो तेवर कल तक नीतीश कुमार जी पर हमला के लिए आरजेडी अपनाती थी, अब वही तेवर बीजेपी अपना रही है। और बीजेपी का ये तेवर बता रहा है कि अब ये कोई आगे कोई ऐसी संभावना दिख नहीं रही है। बीजेपी अपने दमखम पर बिहार में चुनाव में जा रही है या चुनाव लड़ेगी, परिणाम उनके हिस्से में आएगी, परिणाम उनके हिस्से में नहीं आएगी। रह गई आरजेडी की बात, तो आरजेडी तो भाई कितना करीब था जो सरकार बनाने के लिए जो संख्या बल की जरूरत थी, और जिस तरह के गठबंधन के साथ आरजेडी चुनाव लड़ेगी तो बहुत कम तो नहीं था, कुछ सीटों का फासला रह गया था। तो आरजेडी क्यों चाहेगी, अगर ठीक है गठबंधन का एक धर्म अलग बात है, सैद्धांतिक तौर पर बोलना अलग बात है, लेकिन आरजेडी अगर अपने बलबूते पर या नीतीश कुमार जी के बिना भी अगर कोई सरकार बनाने की संभावना दिखते हैं या उनके लोगों को दिखाई पड़ता है और जनता उस पर मुहर लगाती है, तो ठीक बता रहे हैं कि उस ट्रायंगुलर जो एक ट्रायंगल बन जा रहा है बिहार में, उस ट्रायंगल से दोनों पार्टियां दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। इनके कोशिश करने में नीतीश कुमार जी की पार्टी या नीतीश कुमार जी क्या चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे, क्या हम और आप इस बात को की चर्चा कर रहे हैं, क्या जेडीयू इस बात को नहीं सोच रही होगी कि भाई आरजेडी भी सोच रही होगी कि चलो अब इनको सीन से हटाओ, बीजेपी भी सोच रही है कि नहीं चलो इनको सीन से हटाओ। तो हमें जनता के बीच में कैसे अपने को स्थापित करनी है, ये तो वो पार्टी भी सोच रही होगी। लेकिन हाँ, इस बात में तो हर पार्टी चाहती है कि हम अपने बलबूते पर किसी की बैसाखी पर या किसी की कृपा पर हम सरकार में नहीं बने रहे, चाहे हमारा मुख्यमंत्री हो या ना हो, हमारा एक अपना एक आकार हो, अपनी तस्वीर हो, अपने तरीके से हम राजनीति को साधें। तो ये तो सही बोल रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही होगी और आरजेडी भी चाह रही होगी कि नीतीश कुमार जी जो एक ट्रायंगल बना देते हैं, उस ट्रायंगल के सीन से अब इनको किनारे किया जाए। और चूंकि आरजेडी का दबाव है नीतीश कुमार पे, ये तो सब जानते हैं, और अभी से ही नहीं, 2015 में भी आरजेडी बड़ी पार्टी बनी थी, उसके बाद नीतीश कुमार वैसे भी तीसरे नंबर पर जब चले गए तो जाहिर तौर पर बीजेपी भी गठबंधन में बड़ी पार्टी थी और आरजेडी के साथ भी गठबंधन में आरजेडी बड़ी पार्टी। इसका फायदा शायद बीजेपी को मिल रहा है, उसे पता है कि नीतीश कुमार एक हद तक ही रिएक्ट कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां भी आरजेडी का दबाव है। स्वाभाविक है बीजेपी इसका फायदा तो उठा ही रही है ना। अगर जिस तरह से शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी इन पर हमलावर हो रही है, तो समझ रही है बीजेपी कि अब इनके पास फिर से कहीं लौटने का विकल्प नहीं रह गया है। और आरजेडी बार बार जो राष्ट्रीय फलक पर जाने की बात कर रही है, क्यों कर रही है, कल तक इधर न विराम लगा है जनवरी के बाद, न जनवरी तक तो आरजेडी के लोग क्या कह रहे थे कि अब मुख्यमंत्री जी को तेजस्वी जी को ताजपोशी कर देनी चाहिए, इनको सत्ता सौंप देनी चाहिए और इनको राष्ट्रीय फलक पर जानी चाहिए। ये तो जनवरी के बाद स्ट्रेटजिकली आरजेडी ने इस तरह के बयान पर विराम लगाया है, लेकिन बीजेपी का जो हमला है वो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जी के इस स्थिति को देख करके ही शायद इस तरह का अटैकिंग मूड में बीजेपी भी दिख रही है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो बयान था, एक होता है कि विरोधी के तौर पर लोग बोलते हैं कि इनकी सियासत को खत्म कर देंगे, इनकी पार्टी को खत्म कर देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का उदाहरण देना कि अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे हैं, उस तरीके से सियासी तौर पर नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, यानी नीतीश कुमार की राजनीति को पूरा खत्म करने का मूड बना चुकी है बीजेपी, और उसी इशारे पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया जा रहा है। विनोद जी, देखिए, यह समय आ चुका है कि नीतीश कुमार जी ने अपना कब्र खुद खोद लिया है और अब उसको अंतिम जो होता है उस पर लिपने पोतने की बारी भाजपा की रह गई है और जनता की रह गई है। जनता भी जान रही है कि आदमी फिर से जंगल राज स्थापित करना चाहता है, बिहार को फिर से उसी दलदल में ढकेलना चाहता है, तो जनता भी करीब करीब मूड बना चुकी है, भाजपा भी जनता बीजेपी 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 कॉन्फिडेंट है
कि जिस आक्रामकता के साथ आप लोग अटैकिंग मोड में हैं उससे आपको फायदा मिलेगा, कार्यकर्ता उत्साहित होंगे और वोट मिलेगा, जनता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जनता का पूरा विश्वास है। हम लोग भी अपने हिसाब से जनता के बीच में लगातार काम कर रहे हैं और जनता का संकेत है कि आप जमकर काम कीजिए, आशीर्वाद मिलेगा। इस बार 40 की 40 लोकसभा सीटें भाजपा जीतेगी और विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनेगी। एजाज अहमद साहब, एक्सपर्ट भी ये मान रहे हैं कि आरजेडी का जो दबाव बना या बयानबाजी हुई उसका बीजेपी ने फायदा उठा लिया, उसको भी लग गया कि नीतीश कुमार को टारगेट करने का यही वक्त है। देखिए कात्यायन जी, बीजेपी के लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। इनको अभी कर्नाटक की स्थिति का पता चल चुका है, अब बिहार में भी उसी तरह की स्थिति होने वाली है। इंटरनल जो सर्वे हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें इन लोगों को पता चल चुका है कि लोकसभा के चुनाव में बिहार में इंटरनल सर्वे आप कहां से पता कर लेते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता। आप अपना तो कीजिए, शून्य पर आउट हो गए थे लोकसभा। ये सवाल तो बड़ा दिलचस्प है, ये वाकई सवाल है कि भाई मतलब आरोप प्रत्यारोप में विनोद जी ने एक गंभीर सवाल उठा दिया कि बीजेपी का इंटरनल सर्वे आरजेडी तक कैसे पहुंच जाता है बार बार। इन्हीं के लोग बताते हैं चूंकि इनके अंदर जो विनोद जी एक और बढ़िया मतलब हमारे डिबेट के खत्म होते होते एक बड़ी ब्रेकिंग इन्होंने दे दी, आप ही की पार्टी से कोई है खुफिया आदमी जो यहाँ पर खुफिया जानकारी पहुंचा रहा है। भारतीय जनता पार्टी होने जा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता है जिस तरह से ऐसी गलती नहीं कर सकता है, ये लोग जो बातें बना ले, ये लोग चुकी बदहसत में इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है विनोद जी, हाँ ठीक है। एजाज साहब कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि वो बीजेपी के नेतृत्व के एजाज अहमद साहब जो रिपोर्ट आप तक पहुंचाई जा रही है ना, कहीं गलत रिपोर्ट ना पहुंचाई जा रही हो बीजेपी नेतृत्व की तरफ से, इशारे पर उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए बहुत संभल कर। भारतीय जनता पार्टी पर अब विश्वास बिहार की जनता का नहीं है। चलिए ठीक है कुल मिलाकर इस बयान के बाद तलखी बढ़ी ही है, जिस तरह से सम्राट चौधरी अटैकिंग रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, बीजेपी को फायदा होगा नुकसान होगा, ये तो बीजेपी ही तय करेगी, महागठबंधन तय करेगा कि इस अटैकिंग अंदाज में बीजेपी कितना डैमेज कर सकती है महागठबंधन को। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में इतना ही, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।